रीवा में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक युवक की पत्थर पटक कर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना आमिया थाना अंतर्गत सिरमौर चौराहे की है, जहां एक दुकान के बाहर सो रहे युवक की पत्थर पटक कर हत्या कर दी। युवक जिले के नईगढ़ी का रहने वाला था और यहां भुट्टे का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करता था। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक नईगढ़ी का रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही वह रीवा आया था और सिरमौर चौराहे पर भुट्टे का ठेला लगाता था। पुलिस ने कुछ संदिग्ध को पकड़ा है, जिनसे घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। चढ़ाए जो पुष्पक भोजनालय है उसके पास एक व्यक्ति की पत्थर मार के हत्या कर दी गई है। वो व्यक्ति ज्ञात हो चुका है। उसका नाम मृतक का दिलीप गोस्वामी है, देवहरियान नई गढ़ी का रहने वाला है और ये भुट्टे का ठेला लगाता था सिरमौर चौराहे पे। और पुष्पक भोजनालय में जब बंद हो जाता था उसके बाहर वो सोता था। रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर पत्थर पटक दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने उसका पीएम करा रही है और जो चीज़ अभी तथ्य सामने आए हैं उसमें कुछ लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है और संभवतः आपको जल्दी ही इस घटना का खुलासा आपके सामने आएगा। अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसलिए बताना उचित नहीं है। अभी घटना सर इन्वेस्टिगेशन जैसे सीसीटीवी ही में, है। घटना सीसीटीवी में दिख रही है, सीसीटीवी वीडियो भी आया है। हाँ वो फुटेज भी प्राप्त किया गया, उसका सत्यापन किया जा रहा है और कुछ लोग अभिरक्षा में भी लिए गए हैं।